जय श्री काल भैरव। आप लोग लाइव हो जाएं तो चंद्र ग्रहण से संबंधित कुछ मैं बात करना चाहता हूं। इसको शेयर कर लें ताकि सब लोग समय से सुन लें, साथ साथ सुन लें। बहुत सारे लोगों को मैसेज मेरे पास आ रहे थे, बहुत सारे लोगों के, कि उनको साधना या कोई मंत्र इत्यादि अगर मिल जाए। जय श्री काल भैरव। इसको शेयर कर लीजिए तो। और चंद्र ग्रहण के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। चंद्र ग्रहण के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आवाज़ मेरी ठीक आ रही है अभी? वैसे मैं धीरे बोलता हूँ इसलिए आवाज़ वैसे भी कम चली जाती है। हाँ, एक बार फिर से बता दें कि आवाज़ सही आ रही है। चंद्र ग्रहण अभी भी आवाज कम आ रही है कि ठीक आ रही है? थोड़ा सा जल्दी से मुझे बता दीजिए। अच्छा, आवाज ठीक आ रही है, ठीक है। तो इसको, वीडियो को तुरंत तुरंत शेयर कर लीजिए जल्दी से। अच्छा, अब ठीक आ रही है। हाँ, वो थोड़ा सा मैं हेवी बोलता हूँ ना, ठीक है। अश्विन, भावेश, जल्दी से रजत, जल्दी से शेर, पांडे जी प्रणाम। थोड़ा तेज बोलेंगे तो ठीक आ जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं अभी बोलूँगा, अभी थोड़ा सा जो है लोग जुड़ जाएं एक बार, बस 5 मिनट और देख लेता हूँ। अगर 5 मिनट में जितने लोग जुड़ जाते हैं उतना ही ठीक रहेगा और फिर मैं इसको बोलना शुरू कर दूंगा। आप लोग चंद्र ग्रहण जानते ही हैं, अभी 5 तारीख को अपना चंद्र ग्रहण है ही, ठीक है। और ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, आप जानते हैं, जिसका छाया एक तरीके से भारत में दिखाई देगा, मेन नहीं दिखाई देगा। हाँ, तो ये इस बार का दूसरा चंद्र ग्रहण है। रात्रि आपको पता है कि कितने बजे से लगेगा, रात्रि में ये 11:16 से लग रहा है, ठीक। और इसका जो समाप्ति काल है वो 2:32 तक रहेगा, ये अगले दिन 6 तारीख तक। और अगर ये समय साधना के लिए हम सभी साधक यूज़ करें, क्योंकि मैंने अभी पीछे भी अपने साधकों को ग्रहण पे साधना करवाई थी तो उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले थे। और वो रिज़ल्ट ऐसे थे कि कुछ ऐसे आकर्षण मंत्र थे जिसके माध्यम से लोग का जीवन, जैसे सामान्य साधक होता है, होता क्या है कि वो बहुत सॉफ्ट होता है भीतर से, वो हर किसी से लड़ाई झगड़ा पसंद करता नहीं है, वो अपनी साधना में मस्त रहता है। तो ऐसे साधकों को चुन के मैंने कुछ ऐसी साधना करवाई थी
कि जिससे लोगों का आकर्षण रहे, यानी कि उनकी अपनी साधना अपने प्रकार से चलती रहे और लोग उनसे आकर्षित रहे, यानी कि उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें, एक प्रेम संबंध बना के चलें। तो ऐसे लोगों को मैंने करवाया था। तो उसमें सिर्फ ग्रहण काल में ही करा था और बाकी दिनों नहीं करा। उन्हें बहुत सारे अच्छे रिजल्ट आए। जैसे एक गृहस्थ मेरा शिष्य था, तो नाम नहीं लूँगा, उसका उसकी धर्म पत्नी जो है बड़ा परेशान करती थी, तो बार बार बोलता था गुरु जी ऐसी प्रॉब्लम है। तो एक दिन उन्होंने करा सिर्फ जाप, सिर्फ ग्रहण काल में, तो उसका ये असर हुआ कि उसके बाद से उनको उनकी पत्नी ने टोकना रोकना दबाव बनाना ये सब बंद कर दिया, बेकार के प्रश्न पूछना बंद कर दिया और उनका जीवन सहज हो गया। जो घर में आदमी चाहता है कि सहज रहे और शांति रहे, वो उनका सामान्य जीवन हो गया। तो इसको देख के भी उन्होंने बताया था मुझे कि ये और लोगों को भी कराना चाहिए। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें अभी दो मंत्र आपको दूंगा। दो मंत्र, एक तो आकर्षण का मंत्र होगा और यही आकर्षण का मंत्र आप कई सारी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप सामाजिक जीवन जीते हैं तो समाज में बहुत अच्छे और बुरे हर प्रकार के लोग मिलते हैं, तो उस समय भी अगर आप इस मंत्र को प्रतिदिन जाप करते रहेंगे तो इस मंत्र के प्रभाव से वो व्यक्ति आपके ऑरा में, आपके प्रभाव में, आपकी एनर्जी में खींचेगा, मतलब आपकी बात समझेगा, मानेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो वशीकरण होकर आपके पीछे पीछे दम दबा के भागेगा, लेकिन यह है कि आपका जीवन थोड़ा उन लोगों के साथ सहज हो जाएगा। इसमें इसी मंत्र में और सारे अलग अलग प्रयोग हैं। इस मंत्र को एक व्यक्ति के लिए भी करा जाता है, ये मंत्र बहुत सारे लोगों के लिए भी करा जाता है एक साथ, और ये सिर्फ और सिर्फ चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में ही नहीं करना होता है, इस ग्रहण में सिद्ध तो हो जाता है लेकिन आपको ये लगातार करना होगा। अगर आप ये रेगुलर करेंगे इस मंत्र को, तो इसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी और जितनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी उतना ज़्यादा आप इस मंत्र के माध्यम से बहुत सहज रूप से कार्य कर लेंगे। तो अगर 15 लोग सुन रहे हैं अभी, ठीक है, इसको और ज़्यादा शेयर कर लें तो लोगों तक बात पहुंच जाए। चंद्र ग्रहण का जैसे मैंने समय बताया आपको, 11:16 से आपको बैठना है, ठीक है। और मैं ये कहूँगा कि 11:16 से बैठने की बजाय आप 11 बजे से बैठना शुरू कर दें। जो भी आपका पूजा शुरू करने से पहले का विधान है वो आप 10-15 मिनट में कर लें और 11:16 से आप अपना जाप शुरू कर लें। ऐसा ना हो कि 16 बजे से शुरू कर रहे हैं और 15-20 मिनट आपने निकाल दिए, वो ना करें। तो ये आपका जो 11 बजे से लेके 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, ये जो ये समय काल है, 2 बजे तक तो आपको करना ही करना है रात्रि, और उसके बाद भी अगर आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं और लगातार करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप किसी और ये आकर्षण मंत्र के अलावा भी अगर आप किसी और मंत्र की इच्छा रखते हो तो वो आप मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। इस ग्रहण काल में आप इसका फायदा उठाएं और आकर्षण मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण में आपको बहुत सारे मंत्र नहीं करने हैं, आप किसी एक ही मंत्र पर अपनी सारी ऊर्जा लगाएं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ चंद्र ग्रहण नहीं दिख रहा है तो उसका प्रभाव नहीं होगा। ब्रह्मांड में इस पृथ्वी पर तो उसकी किरणें आ ही रही हैं, तो हम पर बहुत ज़्यादा ना हो तो थोड़ा तो असर होगा ही। और अगर ये मंत्र जाप से संबंधित अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ इसका पूरा विधान जानना चाहते हैं, तो इसमें आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं 9919355555 पर। तो उसमें मैं आपको इंडिविजुअल बता भी दूंगा कि आपको किस प्रकार से करना है, अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो, क्योंकि यहाँ तो मैं आपको सिर्फ मंत्र बताऊंगा।
अभी मैंने एक व्यक्ति को ये मंत्र कराया था, तो उनकी ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने जब वो करना शुरू करा है बिना ग्रहण के ही, नॉर्मली रात्रि में उन्होंने 10 माला मंत्र जाप करना शुरू करा है कुछ अलग विधान से, उसका उनको ये असर हुआ है कि उनके जो बॉस थे उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं करा, लेकिन हाँ एक मित्रवत व्यवहार उन्होंने शुरू कर दिया। दूसरा उसका ये असर हुआ एक व्यक्ति पे कि धर्मपत्नी उनकी घर छोड़ के चली गई थी, क्योंकि अहंकार होता है दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से अहंकार जब था तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको हाइप कर दिया था और दोनों अलग हो गए थे, लेकिन फिर अलग होने के बाद परेशान हो गए। उसके बाद मैंने इस मंत्र को दिया, तो उसके बाद 1 महीना वो जाप करते रहे, कुछ नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो उन्होंने फिर मेरे से शिकायत करी कि कुछ नहीं हो रहा है। तो जब मैंने ये देखा कि अगर इससे नहीं हो रहा है तो हमें इस समय क्या करना चाहिए, तो उन्होंने फिर मैंने जब देख के उनको बताया तो लगभग 1 महीना और उनके लिए आया कि 1 महीना कम से कम और इनको मंत्र करना चाहिए। तो 1 महीना और मंत्र करने के बाद उनको काफ़ी असर आना शुरू हो गया, और जब असर आना शुरू हो गया तो उनकी धर्मपत्नी ने सिर्फ मिस कॉल मारी उनको, और जब मिस कॉल मारी तो उन्होंने जब कॉल करा तो उन्होंने उठाया नहीं, फिर उन्होंने कॉल करा नहीं उठाया, तो रात को फिर उन्होंने मिस कॉल मारी। तो उसका मतलब था कि वो आना तो चाह रही थी, उनके हृदय में परिवर्तन हो रहा था उस मंत्र के माध्यम से, लेकिन बीच में जो ईगो आ जाता है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो उसके लिए फिर मैंने उनको एक दूसरा उपाय भी बताया। तो दूसरे उपाय के माध्यम से उन्होंने जब करना शुरू करा तो 2 महीने बाद उनका जो धर्मपत्नी से जो चली गई थी रूठ के, तो उनकी वार्ता शुरू हो गई 2 महीने बाद, और लगभग 3 महीने बाद उनका बाहर मिलना शुरू हो गया। तो इस प्रकार से धीरे 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 करते करते, अब संसारिक हैं, मंत्र में बल आता नहीं है, कोई साधक हो मंत्र में बल हो ऊर्जा हो तो सामान्य 11 माला या 21 माला या 1 महीने में ही या 1.25 लाख मंत्र के अनुष्ठान में ही बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन जब साधक नहीं होता है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि उसकी वो ऊर्जा होती नहीं है, गुरु दीक्षा होती नहीं है। तो इस प्रकार से ये ग्रहण काल में बहुत सारे मंत्रों का जाप करने की अपेक्षा सिर्फ एक मंत्र, चाहे आप अपना गुरु मंत्र करें, चाहे आप अपना कोई देवी का मंत्र करें, किसी देवता का मंत्र करें, किसी को भी करें, वो मंत्र की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इस तरीके से जो तांत्रिक लोगों की भाषा है वो कहते हैं कि ये सिद्ध हो जाता है। तो सिद्ध होने का अर्थ ये है कि अगर आप मान लीजिए बगलामुखी का ही कोई मंत्र कर रहे हैं, तो अगर वो मंत्र आप इस ग्रहण काल में कर रहे हैं और एक सामान्य दिनों में करेंगे तो दोनों में बहुत अंतर है। एक मैं आपको वाक्य सुनाता हूँ कि मैं किसी सरकारी कार्य से गया हुआ था, सरकारी कार्यालय, तो वहाँ पर जब मैंने इसको अपने कार्य को, अपनी फाइल को प्रोसीड कराने के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट करी, क्योंकि उनको चाहिए था पैसा और मैं सब पैसा मैं देता नहीं था, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे 2-3 दिन घुमाया। अब एक सिटी से दूसरी सिटी मुझे जाना पड़ता था ट्रेन से उस समय, तो जब 3-4 दिन हो गए तो 4th दिन फिर मुझे विचार आया कि जब ये सामान्य रूप से नहीं हो रहा है तो इसको फिर थोड़ा सा हम प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने जब उस दिन गया, मैं अंदर जाके मैंने उनसे अपनी फाइल दिखाई, उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको बुलाता हूँ। अच्छा, अब मैं उस उनका जो चैम्बर था थोड़ी दूरी पे पेड़ था, पेड़ के पास मैंने बैठ के कुछ मूर्तियाँ रखी हुई थी, कुछ धागे बंधे हुए थे, शुभ पेड़ था, तो मैं वहाँ नीचे बैठ के सिर्फ उस मंत्र का जाप करता रहा, तो जो मैंने सिद्ध किया था, और उस मंत्र का जाप करता रहा और 21 बार मंत्र करता था, फिर एक फूंक उस केबिन की तरफ मार देता था। फिर ऐसे में करीब 3 घंटा बैठा रहा वहाँ पे, और 3 घंटा बैठे रहने के बाद मैंने जब ये विचार किया कि अब मैं जाके उनसे मिलता हूँ,
तो उन्होंने जैसे ही मेरी फाइल देखी, जैसे ही मैं उनसे मिला, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ देखते ही फाइल पे साइन कर दिया, कुछ बोला नहीं। जबकि मेरे पास उनके जो चेले चपाटे होते हैं उनका मैसेज आ रहा था, उनके संदेश आ रहे थे बार बार कि भैया बिना पैसे के तो होगा नहीं, आप जितनी बार आते जाते रहो। तो उन्होंने फिर जब साइन किया और मेरी तरफ देखा, मैंने कहा कुछ सर चाहिए आपको? कह रहे नहीं, मैंने तो मांगा नहीं आपसे कुछ। मैंने कहा नहीं, आपके चेले चपाटे कह रहे थे। कह रहे अरे वो ऐसे कहते रहते हैं, तुम मत सुनो उनकी। मैंने कहा आपने 3 दिन क्यों घुमाया मुझे? कह रहे कि 3 दिन क्यों घुमाया, मुझे तो नहीं पता मैंने क्यों घुमाया आपको, लेकिन आपका हो गया, आप जा सकते हैं। तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसे का लालच था और पैसे चाहता था कि इनको पैसा मिल जाए, लेकिन सिर्फ एक मंत्र के माध्यम से इतना बदलाव होना, हालांकि मैं 3 घंटे नहीं भी करता तो भी उसका असर हो जाता, क्योंकि मैंने ये जो मंत्र किया था ये मैंने ग्रहण काल में ही सिद्ध किया था। और इस जब इस मंत्र को कर रहा था रात्रि में, तो ढेर सारी चिड़िया मेरे स्थान के ऊपर आके चहचहाने लगी थी, ढेर सारी, कम से कम 100-200 चिड़ियों की। बहुत शोर था, रात को 2-2:30 बज रहा था, इतना तेज आवाज। तो ये एक इंडिकेशन था कि हाँ ये मंत्र सिद्ध हुआ। और उसके फिर मैंने बाद में कभी प्रयोग नहीं किए कि मैंने उसका कोई प्रयोग किया हो, मैंने कभी प्रयोग नहीं किया। बस ये एक ऐसा मौका था कि इसमें मुझे प्रयोग करने का मौका मिला, तो मैंने उनके सामने जब उनकी एकदम मुंह बंद हो गया, जैसे वो कुछ सोच समझ ना पा रहे हों, जैसे कुछ वो सोच ना पा रहे हों कि मैंने क्यों साइन कर दिया या मैं क्यों साइन ना करूं इस पे, वो विचार ही ना कर पाए। उन्होंने बस मेरा चेहरा देखा और मेरे चेहरे को एकटक देखते रह गए, और उसके बाद उन्होंने मेरे को साइन करके फाइल दे दी। अब इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें आप मंत्र की ताकत ही तो कहेंगे, ठीक है? तो अभी आपको ये जो मंत्र दे रहा हूँ, इसको ऐसा ना समझें कि कोई बहुत बड़ा वशीकरण मंत्र है, बहुत बड़ा आकर्षण मंत्र है, इससे सब मैं लड़कियों को आकर्षित कर लूँगा, सब लड़कों को आकर्षित कर लूँगा, ऐसा नहीं होगा। ये आपका मंत्र अच्छे कार्यों के लिए प्रयोग होगा। इसी मैं वचन से मैं आपको दे रहा हूं कि आपको ये मंत्र सिर्फ और सिर्फ अच्छे कार्य में ही यूज होगा। मंत्र बताएं प्लीज, मैं मंत्र बताता हूं, मैं लिख के भी दे दूंगा इसमें नीचे कमेंट में, है ना? और मंत्र ऐसा नहीं कि विशेष मंत्र है, सबको पता रहता है, लेकिन होता क्या है कि कहीं ना कहीं मंत्र में त्रुटि हो जाती है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिस वजह से अच्छा उसका विधान भी सब लोगों का अलग अलग रहता है, तो विधान भी इसमें कुछ विशेष है। तो ये जो मैं मंत्र आपको दे रहा हूँ, आप एक बार इसको ध्यान से सुनिएगा और इसके विधान को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो इसका विधान है, हाँ पांडे से कहें साधना में ध्यान धैर्य बहुत आवश्यक है, तो थोड़ा सा धैर्य भी रखें। मैं आपको साधना बताऊंगा, 2 मंत्र बताऊंगा, ठीक? तो एक सबसे पहले आप लोग चाहे तो ऑडियो रिकॉर्ड कर लें, चाहे तो आप इसको हेडफोन कान में लगा लें। मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा ही रहेगा कि आप ये सारा जो मैं बोलूँगा अभी मंत्र, ये ऑडियो में टाइट करके, एयर टाइट करके अपने पास लगा लें कान में, और जितने भी लोग सुन रहे हैं उसको बेनिफिट लेने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए कान में एकदम एयर टाइट, बाहर की दुनिया से कट जाइए बिल्कुल, और मेरी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाइए, ठीक है? मेरी ऊर्जा से कनेक्ट होने का क्या अर्थ है कि आप मेरे को ध्यान में लेके आइए, मेरी वाणी से कनेक्ट होइए, मेरे जो भाव हैं उनसे कनेक्ट होइए, मेरी जो ऊर्जा आ रही है उससे कनेक्ट हो जाइए,
इस प्रकार से आप जब कनेक्ट होंगे तो ये मंत्र की जो ऊर्जा है वो आपके भीतर समाहित होगी। ठीक है, आप आंख बंद करके और बहुत गहराई से मेरे से कनेक्ट हो जाइए। चाहे तो 5 मिनट प्राणायाम कर लीजिए, आंख बंद करके 5 मिनट प्राणायाम कर लीजिए। थोड़ा सा नाड़ी शुद्धिकरण हो जाए आपका, 5 मिनट बस। इस मंत्र से काफी तीव्र प्रभाव होता है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि विश्वास। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, नींद आने लगी, अभी अभिषेक की नींद नहीं है, ये ध्यान की अवस्था होती है। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मेरी आवाज़ सुन के ही नींद के झटके जैसे आने लगते हैं, लेकिन ये नींद नहीं है अभिषेक, या कोई भी जो सुन रहा हो, ये वास्तविक रूप से आपको ध्यान मिले जाने की क्रिया ही है। ठीक है, तो इसको ये मत समझना कभी भी कि ये आपको मैं नींद में ले जा रहा हूँ, ये मैं ध्यान में ही ले जा रहा हूँ। ये काफ़ी वर्षों बाद आप, मैं भी अपने शिष्यों से कल यही बता रहा था, काफ़ी वर्षों बाद जब मैं नहीं रहूंगा और आपकी स्थिति ध्यानगत वाली होगी, समाधिस्थ वाली होगी, तब आपको आभास होगा कि अरे उस गुरु की आवाज़ सुन के मुझे यही होता था। अभी तो क्या जागृति नहीं है ना, तो आवाज़ सुन के क्या होता है, नींद आती है ऐसा लगता है, लेकिन वो नींद नहीं है। वो आवाज़ सुन के ही कई सारे साधकों को ध्यान घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसको ये समझना कि ये ध्यान नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली समझ में तभी आएगा जब वर्तमान गुरु जीवित नहीं रहता है, चला जाता है, उसके बाद साधकों को शिष्यों को समझ में आती है। उस समय तो बहुत बुराई करता है, बहुत मैं करता है, लेकिन जब गुरु चिल्लाता रहता है समर्पण करो समर्पण करो, तब वो सोचता है अरे इसका कुछ लाभ होगा, कोई फ़ायदा लेना चाहता होगा मेरे से। लेकिन ठीक है, उसको वैसा समझ नहीं दे दिया जाए, और जो समझ सकता है, चुनिंदा साधक है मेरे 5-6, वो समझते हैं इस चीज़ को, तो उनकी हालत वही होती है, आवाज़ सुनते हैं उन्हें नींद आने लगती है। वो कहते हैं कोई भी वीडियो हम आपकी पूरी देख ही नहीं पाते हैं, है ना। तो आवाज़ को सुनना भी जो है एक ध्यान है। आप अगर मेरी आवाज़ को कानों से ना सुन के चेतना से सुनेंगे तो आपको अवश्य रूप से ध्यान घटित हो जाएगा, बुद्धि लगना बंद हो जाती है अगर कोई वास्तविक रूप से सुनना पसंद करे तो। एक ये जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, ये मंत्र कोई वैसे प्रचलित मंत्र जो है, ये वशीकरण आकर्षण मोहन सम्मोहन इन सब के लिए प्रयोग होता है, लेकिन मैं आपको जो इसका प्रयोग बता रहा हूँ, आपको 1100 बार इसको जाप करना है। ठीक, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, चाहे तो हृदय में सुन लीजिए इसको या ऑडियो बाद में सुन लीजिएगा। ये जो मंत्र है ये आपको 1100 बार जाप करना है मिनिमम। 1100 बहुत कम होता है, थोड़ा सा बड़ा मंत्र है, इसलिए अगर आपको लगे कि आप ज़्यादा भी कर सकते हैं तो आप इसको 21,000 जाप करें पूरे ग्रहण काल में। और इसमें आपको करना क्या है, सामने अपने कुछ, जैसे चमेली के पुष्प हो गए, चमेली के पुष्प ना मिलें तो थोड़ा सा 3-4 तरह के पुष्प रख दिए आपने, गुलाब रख दिया या कुछ सफ़ेद कोई पुष्प रख दिए, है ना। भोग आपको इसमें बर्फ़ी का लगाना है। ठीक है, तो बर्फ़ी अच्छी हो, ऐसा ना हो कि 5 रुपए की बर्फ़ी उठा के ले आए कोने से, अच्छी बर्फ़ी हो, जैसे आपको लगे कि आप किसी बहुत ख़ास मेहमान के लिए लेके आ रहे हो, ऐसी बर्फ़ी, और ऐसा भाव होना चाहिए उस बर्फ़ी के साथ आपका।
ठीक है, तो आप इसको जब ये करेंगे, सामने लाल कपड़ा बिछा लेंगे, लाल कपड़े के ऊपर एक दिया लगा लेंगे सरसों के तेल का। सरसों के तेल के दिए को आप अपने लेफ्ट साइड में रखेंगे, ठीक है, राइट नहीं रखना, लेफ्ट रखना। अपना जो विधान है उस विधान के हिसाब से ही उस दिए को प्रज्वलित करेंगे। और हम बार बार कहता हूँ कि दिए को आग मत लगाना कभी, ठीक है, आग जो है मुर्दे में लगती है। आप दिया प्रज्वलित करते हैं तो इसको आप हमेशा ऐसा बोला करिए कि मैं दीपक प्रज्वलित कर रहा हूँ। और ये जितने भी दीक्षित साधक हैं उनको बताता हूँ किस प्रकार से करना है, बाकी जो अदीक्षित हैं वो अपने हिसाब से कर लें, अपने गुरु परंपरा के हिसाब से कर लें। ये आपका लाल कपड़ा, लाल कपड़े के ऊपर लेफ्ट साइड में आपका तेल का दिया हो गया। सामने अगर आपके कोई भी इष्ट की या कोई भी देवी की मूर्ति है तो उसमें आपको उस देवी का ध्यान करना है जिस देवी का मंत्र मैं आपको दूंगा। तो आप एक बार आँख बंद करके एकदम गहराई से इस मंत्र को सुने, और जो भी अभी इस समय लाइव नहीं है वो भी इस मंत्र को जब आँख बंद करके पूरी तरीके से मुझसे कनेक्ट होके अगर इसको स्वीकार करेंगे मंत्र को, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। मेरे कुछ ऐसे अधीक्षित शिष्य हैं जो बहुत परेशान हैं, उनके लिए भी ये मंत्र है। बाहर वो पैसा बर्बाद कर देते हैं, मेरी सुनते नहीं हैं। मैं ये कहता हूँ कि अपने ईष्ट को प्रबल करके चलो, अपने गुरु को प्रबल करके चलो, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो परेशानियों पर इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं और परेशानियाँ बढ़ती चली जाती हैं। मेरा ये कहना है कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को बलवान बनाओ, तो परेशानियाँ तो आएंगी आएंगी, लेकिन आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रास्ते पे चल रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपको गड्ढे ना मिलें। गड्ढे तो मिलेंगे, हर तरह की दुर्घटना होगी, लेकिन आप अगर सजग रहेंगे, सचेत रहेंगे, तो आपके साथ दुर्घटना नहीं होगी। ठीक है, तो मंत्र आपने प्राणायाम कर लिया होगा, मैं आशा करता हूँ। आप बहुत गहराई से ध्यान करें, मेरा ध्यान करें, मेरी एनर्जी से कनेक्ट हों। हेडफोन अगर लगा लिया है तो आप इसको एक एक शब्द को बहुत गहराई से लीजिएगा। मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सिद्धेश्वरी ज्वालामुखी जृंभणी स्तंभनी मोहिनी वशीकरणी पर्दन मोहिनी सर्वारिष्ट निवारणी शत्रुगण संहारिणी सुबुद्धिदायिनी ओम आम क्रोम प्रीम त्राहि त्राहि क्षोभ क्षोभ अमुकम मे वशम गुरु गुरु स्वाहा। ये मंत्र है, जहाँ पे अमुकम आया है वहाँ पे उस व्यक्ति का नाम बोलना है। और मैं इस वचन से आपको दे रहा हूँ कि आप इसका कोई भी दुरुपयोग नहीं करेंगे। अगर कोई आपको पीड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, इसका सदैव प्रयोग करिए, क्योंकि अगर आप मेरे वचन का भी नहीं पालन करेंगे तो प्रकृति सब जानती है। आपने जहाँ जिसको नुकसान पहुँचाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया, आप स्वतः नरक में चले जाएंगे। अपने आप होता है, प्रकृति अपने आप अंडरस्टैंडिंग बना के चलती, कौन कहाँ कैसा क्या है। ठीक है, तो अमुकम में उस व्यक्ति का नाम बोलेंगे, नाम मैंने बोला है। ठीक है, और ये जो मिठाई का भोग रखना है आपको राइट साइड में रखना है। लेफ्ट साइड में आपने दिया रखा, राइट साइड में आपको मिठाई, राइट साइड में आपको बर्फ़ी का भोग लगाना। और बर्फ़ी का भोग ऐसे नहीं ज़मीन पर रख दिया, किसी पात्र के ऊपर रखें, और अगर चांदी का पात्र है तो चांदी के पात्र के ऊपर रख दें। ठीक है, इसमें सबसे जो ख़ास बात है, जब आपका जाप पूर्ण हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा राइट हैंड साइड में जल लेना है, सीधे हाथ पे जरा सा आधा चम्मच भर जल, और उस जल को लेके ज्वालामुखी जो देवी है उसका आवाहन करना है। ठीक, कि आप इस भोग को ग्रहण करें और मुझे इस मंत्र की सिद्धि प्रदान करें। तो
जब आप उस पे उस मिठाई पे छिड़केंगे थोड़ा सा, तो वो भोग ग्रहण होगा। और उसके बाद 5 मिनट सिर्फ वहीं ध्यान लगाने के बाद ऐसा भाव करें, ऐसा कुछ लोगों को दिख भी जाएगा, जो लोग आभास कर सकते हैं वो देख भी सकते हैं कि वो देवी जो है आके भोग ग्रहण कर रही है, उनको आभास भी हो सकता है, उनकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी, आसपास वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। और उसको जब आप 5 मिनट 10 मिनट ऐसा, जब तक आपको ठीक लगे, 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर भी आप ध्यान करना चाहें देवी का, उसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा जो है बर्फ़ी में से आधा या 25% उसमें से तोड़ के खुद खा जाना है, ठीक है, प्रसाद के रूप में। और इस मंत्र का आप अगर प्रतिदिन जाप करते हैं, चाहे 1100 करें, चाहे 2100 करें, चाहे 10,000 करें, 11,000 करें, तो इसकी ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ये बहुत सिद्ध मंत्र है, बहुत लोगों ने इसको बताया हुआ है, लेकिन कैसे इसको, मतलब सिर्फ मिठाई रखने से भोग नहीं होगा, आपको ये कार्य जो अंतिम में मैंने बताया है, पानी के छींटे मार के भोग दे के और उसको भोग ग्रहण करने का, ये जो बताया ये एक्चुअली इसकी आखिरी की है। और जब भी आपको इसका प्रयोग करना हो, आप जो आपको परेशान कर रहा हो व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम बीच में लेके भोग सामने रख के 1100 बार जाप करके उस मिठाई को जल जल छिड़क के उस मिठाई पे कि ये आप भोग ग्रहण करिए, और फिर आपको भोग स्वयं नहीं ग्रहण करना है, ठीक है। फिर आपको जो भोग है वो बाहर कहीं किसी पेड़ के नीचे कहीं रख देना है, और ये आपको बोलना है पानी छिड़कते समय कि हे देवी भोग ग्रहण करो, और इस व्यक्ति का मन पलटो, हृदय पलटो, मेरी तरफ इसको प्रेम संबंध बनाओ इसके और मेरे बीच में। ऐसा कभी मत बोलना जैसे तांत्रिक लोग ये बोलते रहते ना, 2 दिन में वशीकरण, 1 दिन में वशीकरण, पैरों पर पटकता हुआ आएगा, पटकती हुई आएगी, इस प्रकार से नहीं, ये गंदी चीज़ है। आप उस तरफ ये बोलना है कि मेरे और उसके बीच में प्रेम संबंध हो जाए, और प्रेम से बड़ा कोई सिद्धि नहीं है, प्रेम से बड़ा कोई तत्व नहीं है। आप सिर्फ इतना बोलें कि मेरे और उसके बीच में प्रेम संबंध हो जाए, जो भी मनमुटाव है, जो भी क्रोध की स्थिति है, जो भी गलत स्थिति, जो भी असमंजस की स्थिति है, वो सब शांत हो जाए, सिर्फ प्रेम हो जाए, तो आपको अपना कार्य करने में आसानी होगी, ठीक है। और इससे संबंधित अगर कोई भी आपका प्रश्न हो कि इसमें मैं हो सकता है कुछ बताने में रह गया हो मेरे से, तो आप मुझे मेरे नंबर 9919355555 पर मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। हो सकता है उत्तर थोड़ा सा देरी में आए, क्योंकि मैसेज मेरे पास हज़ारों की संख्या में आते हैं, कई मैसेज मैं नहीं देख पाता हूँ, निकल जाते हैं, तो आप दोबारा प्रयास करिएगा, ठीक है। और मेरी प्रार्थना है इस मंत्र को आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, लेकिन कभी भी दुरुपयोग ना करें, ठीक है। अच्छा, एक तो मंत्र मैंने आपको ये बता दिया, अब आप अगर कोई और दूसरा मंत्र भी चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो खैर आपके सारे काम कर ही देगा, है ना, लेकिन अगर आप, कुछ लोग जैसे मेरे से सुलेमानी मंत्र मांगते हैं, कुछ लोग जैसे बुद्धि से संबंधित मंत्र मांगते हैं, तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मंत्र हैं, उसके अलग अलग विधान हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना होता है कि जो आपका गुरु मंत्र है आप उसको ही जाप करिए, तो बहुत कुछ हो जाएगा। समय समय पे अपना कुंडली दिखवाते रहिए, क्योंकि ग्रह दशा बार बार अलग अलग प्रकार से आती है, कई बार गलत होती है तो आपके साथ गलत होना शुरू हो जाता है। तो आप अगर चाहें तो उसका अपना कुंडली बीच बीच में स्कैनिंग करवाते रहिए, चाहे किसी से भी करवाइए, मैं ये नहीं कहता मेरे से करवाइए, लेकिन आप बीच बीच में कराते रहिए, मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा बीच बीच में, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसमें मेरे पास ये कहते हैं कि भाई मुझे कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करनी है उसका, क्योंकि मैंने 3 प्रकार से कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करके छोड़ी है, एक सामान्य रूप से, एक अघोर के बहुत विकट रूप से, जिसका अभी सीरीज चल रहा है यूट्यूब चैनल पे, और ये एक तीसरी जो है ध्यान वाली है। तो अगर आप लोग इस प्रकार की साधना, मैं नहीं कहूँगा कि करें, क्योंकि सब गृहस्थ हैं और उसके लिए आपको मेरे साथ कहीं बाहर आना पड़ेगा, तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं एक्सपीरियंस के लिए,
है ना, तो उसके लिए मैं एक शिविर लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। बर्फी नहीं मिलेगी तो क्या करें? तो आप एक काम करें ना, जैसे आप वो करते हैं, जैसे दूध में मिलाई जमती है, तो आप एक काम करें कि अगर बर्फी नहीं मिल रही है तो, वैसे तो ओपन हो गया है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आप मोटी सी मिलाई लीजिए, ठीक है, और उस मिलाई को थोड़ा सा चीनी का बूरा, मतलब चीनी पीस लीजिए और उसके साथ मिक्स कर लीजिए। उसके साथ जब आप मिक्स कर लेंगे तो आपको एक मिठाई का ही रूप मिल जाएगा, लेकिन मिलाई ऐसे करिएगा कि वो पानी पानी ना हो, ठीक है, मतलब सूखी सी हो थोड़ी सी, चाहे उसको फ्रीजर में थोड़ी देर रख दीजिएगा, या जब चीनी मिलाएंगे उससे पहले उसका पूरा दूध निकाल लीजिएगा, है ना, निचोड़िएगा नहीं, निचोड़ने में सब बेकार हो जाएगी। जो दूध होता है वो जो फ्रिज में जम जाता है, थोड़ा सा ऊपर से मिलाई निकाल के और उसमें थोड़ा सा चीनी का बूरा मिला के, चीनी को पीस के थोड़ा सा मीठी हो जाए। इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो ये भी एक मिठाई का ही रूप है और ये कार्य करता है। ये काफ़ी सारी शक्तियों को इस प्रकार की मिठाई पसंद है, घर से बनी हुई। अच्छा, अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो कोई मीठी ऐसी चीज़ आप रख दीजिए जो आपको पसंद हो, है ना। गुड़ मत रखिएगा, या तो बताशा रख दीजिए, है ना। बताशा भी ना हो तो फिर मजबूरी है कि आप रखिए कि आपको चीनी से काम चल जाए, है ना, मिश्री से काम चल जाए, गुड़ मत रखिएगा। तो आप अगर मिठाई नहीं रख पाते हैं, उसके लिए मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा था कि आपको अपना गुरु मंत्र ही ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, बीच बीच में अपना कुंडली दिखाते रहना चाहिए, लेकिन एक चीज़ और मैं जोड़ूंगा कि आपको किसी दूसरे मंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दूसरे मंत्र की आवश्यकता पड़नी ही नहीं चाहिए, आपके गुरु द्वारा जो एक ईष्ट मंत्र दिया हुआ है वही सर्वोपरि है, सिर्फ उसको ही अगर आप जपते रहेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ये तो मेरा अपना स्वयं का अनुभव है कि सिर्फ एक मंत्र भी अगर आप ढंग से करना शुरू कर देते हैं तो उस मंत्र की शक्ति आपका साथ देना शुरू कर देती है, ठीक है। अच्छा, आप एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा ये अगर आप इस ग्रहण काल में सिर्फ 11 बार भी कर लेंगे तो भी ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। वैसे मंत्र सिद्ध है, ठीक है, और अगर ये आप ज़्यादा ना करें तो भी सिर्फ 11 बार या सिर्फ 108 बार अगर आप कर लें तो ये इस समय ये सिद्ध हो जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मंत्र दे रहा हूँ, जैसे किसी पे जैसे नज़र लग जाती है, ठीक है, किसी को नज़र का बुखार हो जाता है, किसी को ऐसी पीड़ा होती है कि डॉक्टर नहीं समझ पा रहा होता है, तो उस प्रकार का एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। ये लगभग हर किसी को घर में आवश्यक होता है। तो ये मंत्र साबर भी है, एक वैदिक मंत्र भी है, अघोर मंत्र भी है। तो अघोर मैं अक्सर देता नहीं हूँ क्योंकि गुरु का आदेश रहता नहीं है और क्योंकि हर कोई संभाल पाता नहीं है, ठीक है। तो आप अगर इसको करना चाहेंगे तो मैं आपको अलग से करवा सकता हूँ शिविर लगा के अपने सामने, लेकिन वैसे मैं नहीं करवा पाऊँगा, ठीक है। तो आप अगर ये जैसे घर में बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो जाती कई बार, जैसे नज़र लग जाती है, या अगर बाहर कहीं गए तो बाहर से ही कुछ ऐसी हवा लग गई, तो ऐसा अगर कुछ आपके साथ या आपके घर वालों के साथ अगर ऐसा होता है तो मुझे ऐसा लगता है उसके लिए ये मंत्र देने का सही प्लेटफॉर्म है। जो पिछला मंत्र है वो तो मैंने आपको दे ही दिया है, वो तो करना ही करना है, लेकिन ये मंत्र आपको करना ही करना है। ये मंत्र आपके घर के लिए मैं सिर्फ दे रहा हूँ। अब इसको लेके जो है दुकान मत चलाइएगा कि अब बोरे बिछा के बैठ गए, चलो अब तो मैं सबके बुरे कर्म हटाऊंगा। ये आप ध्यान रखिएगा, हमेशा जब आप दूसरों के बुरे कर्म हटाएंगे तो आपके जो है हाथ गंदे होते होते ही हैं, है ना। तो उसमें
कुछ अपना बल होना बहुत आवश्यक है साधना का। सिर्फ एक मंत्र लेके और झाड़ में बैठ गए तो फिर झाड़ा ही लगाते रह जाएंगे जिंदगी भर, क्योंकि जो पब्लिक है ना सिर्फ यही चाहती है कि पेट में दर्द हुआ चलो झाड़ा लगा दो, छींक आ गई चलो झाड़ा लगा दो, सर दर्द हो रहा चलो झाड़ा लगा दो। सारी पब्लिक ऐसी है, उनको ये नहीं होता कि खुद को बलवान कर सकें, खुद को एक अच्छा साधक बना सकें। ठीक है, तो मैं ये इस मंत्र में आपको एक मोर पंख की आवश्यकता होगी बस। ठीक है, मोर पंख आप रख लीजिएगा, और जब भी आप जाप करें, अभी तो और भी ग्रहण आ रहा है तो उसमें भी कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा पे मैं अपने साधकों से मिल भी रहा हूँ, दिल्ली या ऋषिकेश में कहीं पर, जहाँ भी व्यवस्था हो जाएगी आप लोग देखिएगा, अगर आना चाहेंगे तो आप आ जाइएगा मिलने के लिए। तो उसमें भी जो है कुछ मंत्र सिद्ध हो जाएगा ग्रहण में, गुरु पूर्णिमा तो है ही और ग्रहण भी है, तो उस समय हो सकता है मैं अपने सामने कोई और बहुत अच्छा मंत्र सिद्ध करवा दूँ, है ना। तो अभी आपको तो मैं एक मंत्र बता रहा हूँ, ये नज़र का मंत्र है, मतलब नज़र उतारने का, थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए सिर्फ आपको एक माला के लिए बोला है। मंत्र सिद्ध है ये, 10 बार 11 बार पढ़ लेंगे तो उसमें ग्रहण काल में तो ये ठीक रहेगा। और आप अगर चाहें तो इसको जैसे मैंने अभी पहली क्रिया बताई उस प्रकार से इसको ग्रहण करें। और साबर मंत्र है, साबर मंत्र में आप अपना दिमाग ना चलाएं, जैसा मिला है वैसे ही करना है, ऊट पटांग उसमें कोई भी भाषा हो, समझ में नहीं आती है तो ना आए, आपको बस उसी प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये हमारे अघोर से भी रिलेटेड है, थोड़ा सा हमारे अपने अनुभवों से भी रिलेटेड है, कि इसके शुरू शुरू में हमने बहुत प्रयोग करके देखे हैं। तो उसी विश्वास से इसको लीजिए, आग बंद करके हेडफोन अपना एकदम एयर टाइट कान में लगा लीजिए, इसको ग्रहण करिए और उसको उस प्रकार से लीजिए कि आप इसको पी रहे हैं, जैसे पानी पीता ना कोई, उस प्रकार से मेरे से कनेक्ट हो जाइए, मेरी ऊर्जा से। और स्वतः जब आप विश्वास से कनेक्ट हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मंत्र मैं आपको लिख के भेज दूंगा, उसमें आप ये मत सोचिएगा कि याद करना है, सिर्फ आप आँख बंद करके भीतर पी लीजिए उसको। ठीक है, जो अगर आपने एक बार पी भर भी लिया ना ढंग से तो फिर दोबारा करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। ठीक, मैं आपको मंत्र बोल रहा हूँ। नमो सत्य नाम आदेश गुरु को, ओम नमो नजर जहां पर पीर न जानी, बोले छल सो अमृत बानी, कहो नजर कहाँ ते आई, यहाँ को ठौर तो ही कौन बताई, कौन जात तेरो कहाँ ठाम, किसकी बेटी कहाँ तेरो नाम, कहाँ से उड़ी कहाँ को जाया, अब ही बस कर तेरी माया, अभी बस कर ले तेरी माया, मेरी जात सुना चित लाया, जैसी होए सुनाऊ आए, तेलन तमोलन चूहड़ी चमारी, कायथन खत रानी कुम्हारी, महता रानी राजा की रानी, जाको दोष ताही के सिर पड़े, जाहर पीर नजर से रक्षा करे, मेरी भक्ति गुरु शक्ति फ्रो मंत्र ईश्वर वाचा। ठीक, ये मोर पंख पढ़ते, ये मोर पंख हाथ में पकड़ के इससे आपको उतारते जाना है। ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ते पढ़ते, और ये मंत्र तब आप कर पाएंगे जब आपको एकदम कंठस्थ होगा, और कंठस्थ ही नहीं, इस मंत्र की ऊर्जा आपके जबान पे आनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने इतने प्रेम से पढ़ा, इतने प्रेम से नहीं पढ़ने का होता है, इसको वीर भाव से पढ़ने का होगा। ठीक है, ओम नमो सत्य नाम आदेश गुरु को, ओम नमो नजर जहां पर पीर न जाना, बोले छल सो अमृतवाणी, इस प्रकार से। ठीक है, तो जब आप इस प्रकार से करेंगे तो सामने कोई भी ऊटपटांग चीज होगी भाग जाएगी। ठीक है, तो जहर वीर या जहर पीर जिस प्रकार से भी लोग अलग अलग जगहों पर बुलाते हैं, तो इस मंत्र को ऐसे ही पढ़ना, इसमें कुछ भी उलट फेर मत करना। मैं इसी कमेंट में ही आपको लिख के दे दूंगा, या आप कहेंगे तो इसमें टाइम लाइन पे ही थंबनेल पे बना कर दे देता हूँ मैं आपको। ठीक है, दोनों ही मंत्र दे देता हूँ, और इसमें आपको करना क्या है, सिर्फ आपको 108 बार आप कर लीजिए, चाहे उंगली पे कर लीजिए चाहे रुद्राक्ष की माला पे कर लीजिए, कैसे भी आपको ठीक लगे। एक काउंटर आता है, काउंटर पे मत करिएगा। ठीक है, और सामने आपको सिर्फ क्या करना है कि थोड़ा सा कपूर लेना है, और कपूर के ऊपर एक जायफल रख देना है। ठीक है, और जब भी आप मंत्र पढ़ लें 108 बार, और भोग के रूप में उस जायफल को आप कपूर को अग्नि दे दीजिए,
और वो प्रज्वलित हो जाएगा, अपना भोग ग्रहण हो जाएगा। उनको बोलिए कि भोग ग्रहण करिए, मंत्र सिद्ध, और इसका कम से कम डेली 11 बार पाठ कर लिया करिए, ठीक है। मंत्र इसकी एनर्जी बनी रहेगी। तो ये दो मंत्र मैंने जो आपको दिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है और मैंने बहुत बार प्रयोग किए हुए हैं। अब तो मैं खैर नहीं करता हूँ ये सब चीज़ें, बहुत वर्षों पहले 20 साल पहले मैंने करीब इन सब चीज़ों को बहुत प्रयोग करके देखा हुआ है। और आपका गुरु मंत्र, आपका इष्ट, ये सर्वोपरि ही ध्यान रख के चलिएगा कभी भी, ठीक है। आप चाहे उसके पीछे हों चाहे सामने हों, गुरु को सब पता होता है ना। आप जितने स्मार्ट बन जाएं, जितना ही आप बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हो जाएं, गुरु को पार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने इस मंत्र में सुना होगा, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, अर्थात अगर तुम्हारी भक्ति नहीं होगी और गुरु की शक्ति नहीं होगी तो कौन सा मंत्र चल जाएगा ये बताओ, नहीं चलेगा। सिर्फ तुम अपने अहंकार में रहोगे कि 100 मंत्र मैंने याद कर लिए और इतना मैंने भोग दिया है, इतना मैंने बलि दी है, कुछ नहीं होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि गुरु कुछ करता नहीं है, ऑटोमेटिकली अपने आप बंद जाती चीज है अपने आप। और कोई अगर समझदार व्यक्ति होगा, छल प्रपंच से दूर रहने वाला, शांत रहने वाला, गुरु से कनेक्ट रहने वाला, तो उसको पता चलेगा कि मेरी भक्ति गुरु की शक्ति का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो तंत्र जगत है, इसमें बहुत संभल के चलना। दुनिया को जो बोलना हो बोलने दो, मैं ये बताता भी नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज और कॉल आ रहे हैं, परेशान है परेशान है। मैं एक चीज बताते बताते थक गया, गुरु तुम्हारा सर्वोपरि है, इष्ट सर्वोपरि है, उसके मंत्र जाप करते रहो, कुछ नहीं होता है। लेकिन लोगों को परेशान होने में मजा आता है, और ये उनको पता भी नहीं चलता होगा कि उनको परेशान होने में मजा आ रहा है। अभी वहां से हटा के दूसरी जगह कर दीजिए, वो उनको सूना सूना सा लगने लगेगा, अरे को परेशान नहीं कर रहा, बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो ये मन के सारे खेल हैं, मन के हाथों में सभी साधक बंधे हुए हैं, और उनको लगता है कि बहुत स्मार्ट है। थोड़ा सा इस पे आप लोग विचार क्या करेंगे, बदलना होगा तो अभी बदल जाएंगे, नहीं बदलना होगा तो विचार मंथन चिंतन करते रहिए, जन्मों करते रहिए। चिंतन मंथन मनन से कुछ नहीं होगा, होना होता है जो गुरु की वाणी सुन के तुरंत हो जाता है। क्योंकि वर्तमान में अगर आप उसको ले रहे हैं, पी रहे हैं, तो वर्तमान ही है, आगे और पीछे कुछ नहीं है। वर्तमान में अगर आपने कर लिया बदलाव, हो गया, नहीं तो कभी नहीं होता है, सिर्फ बहाने हैं। और कोई भी अगर आपको बात करनी हो उस बारे में, मेरा नंबर मैंने बताया हुआ है, 9919935555, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कर दीजिए, सभी पीड़ित अपनी पीड़ाओं को देख लें, भाई कैसी पीड़ा है, कैसे मुक्ति होगी। और क्योंकि इन लोगों की पीड़ाएं कभी शांत थोड़ी ना होती हैं, भाई एक पीड़ा मिल रही है उसका उपाय मिल गया, दूसरी पीड़ा खड़ी है, पीड़ा कभी शांत थोड़ी ना होती है। किसकी शांति हुई, किसी की पीड़ा नहीं हुई भाई, जो जो मुक्त हुआ उसके पथ में कांटे ही थे, लेकिन उद्देश्य उसका सर्वोपरि था। तो उद्देश्य अगर आपका सर्वोपरि है तो बाकी चीज़ें आपको डिस्टर्ब ही नहीं करेंगी। ये आप इसको नोट करके रख लें, ये सिर्फ आपका मन है जो आपको इतना भगाता है, डराता है, परेशान करता है। जिस दिन ये चला जाएगा कुछ नहीं रहेगा। और अगर वाकई में बदलना चाहते हो जीवन को, तो मुझसे जुड़ना। मुझसे लोग जुड़ते तो हैं जीवन को बदलने के लिए, लेकिन वो मेरी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। और इतना सस्ता थोड़ा ना मार्ग है कि तुम्हारे हिसाब से चल जाएगा कि गुरु जी मुझे कष्ट हो रहा है, तो कष्ट हो तो घर बैठो, पैर में दर्द हो रहा तो स्पा में चले जाओ, डेली जाया करो, मसाज करवाया करो। साधना क्यों कर रहे हो, इस साधना में जब तुम बदलोगे, अंदर से ऊर्जा बदलेगी, चेंज होगी, ऑरा चेंज होगा, ऊर्जा मंडल चेंज होगा, तो तुम पहले जैसे थोड़ा ना रहोगे। वो बदलने में कष्ट तो होगा ही ना,
अगर बदलना हो तो जुड़ो, पूरी तरीके से जुड़ जाओ और सबको जोड़ो जो बदलना चाहता है। मैं निश्चित तौर से बदल दूंगा। अभी मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ अपना, एक बहुत बहुत अच्छा शिष्य है आलोक, उसके ऊपर आप उसको जरूर सुनिएगा। मेरी तो कहानी जो है ये है, लेकिन उसकी 10-11 साल हो गए, 12 साल उसको जुड़े हुए, उसके भीतर जो परिवर्तन और जैसे जैसे परीक्षाओं से होके वो ऐसे पथ पे बैठा है जहाँ पे कब कहाँ क्या हो जाए कुछ नहीं पता, कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई फालतू की बकवादिता नहीं, गुरु के प्रति अकाट्य समर्पण। तब उसके बाद वो धीरे धीरे आगे समर्पण पे बढ़ता है कि एक्चुअली समर्पण क्या, अभी तो गुरु को करा है तो गुरु को 100% कर दिया तो इसका मतलब ही एलिजिबल है आगे समर्पित होने के लिए। सब कुछ उसने न्योछावर कर दिया गुरु के ऊपर, सब कुछ। तो उस पर एक वीडियो बनेगी, उसको आप देखिएगा जरूर, उससे बहुत अच्छा सबक मिलेगा। हालांकि अहंकारियों को नहीं मिलेगा, लेकिन जो साधना करना चाहते हैं, साधक हैं, जो रियल में साधक हैं, जिनको मुक्ति पथ ही सर्वोपरि है, जिनको किताबी ज्ञान फालतू की बकवास से कोई लेना देना नहीं है, जो गुरु ने बोल दिया वो भीतर उतर जाए, ऐसा कोई साधक हो तो आप उसके साथ इस वीडियो को साझा जरूर करिएगा, उसको पता चलेगा, है ना। और मेरा इतना लंबा लेक्चर देने का मूड था नहीं, बस ये 2 मंत्र देने थे मुझे, लेकिन मेरी मजबूरी है, सुनने वाले बहुत अच्छे अच्छे साधक होते हैं, उनको ये बताना बहुत आवश्यक हो जाता है कि वास्तविकता क्या है। मेरे रहने पे, मैं के रहने पे, अपने स्वयं के रहने पे यात्रा कभी नहीं होती, कभी नहीं होगी। जो जो पहुंचा है उसने सबने छोड़ के ही पहुंचा है। घर बैठे कभी किसी को कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप बहुत अच्छे साधक हैं तो बैठ जाइए घर के अंदर, बंद होकर बैठ जाइए, बाहर से कट जाइए, अपना जरूरी चीज़ों के लिए करिए संपर्क। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे साधक हैं, आपकी ऊर्जा अग्नि बहुत तेज है, तो आप घर के अंदर बैठे बैठे भी पहुंच जाएंगे। लेकिन वो बहाना नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा साधक हूँ तो मैं घर पर ही कर लूँगा। रियलिटी होनी चाहिए, है ना। और साधक के लिए क्या होना चाहिए, गुरु के लिए क्या होना चाहिए, वो सब मैंने चैनल पर डाला हुआ है, डॉक्टर सीतारमणि भाई जी करिए, उस चैनल पे आप देख लीजिएगा। गुरु और साधक और साधना और प्रत्यक्षीकरण, इस सब मैंने उस पर डाला हुआ है। अभी कर्ण पिशाचिनी की भी सीरीज चल रही है, उसमें भी ये है कि मैंने सिर्फ अनुभव के लिए लिया था, मेरे को उससे कोई वो नहीं था, क्योंकि वो जो चीज़ें वो एक्सपीरियंस करवाती थी वो ऑटोमेटिकली मैं जानता था, पहले से मेरे साथ था, है ना। अच्छा, एक एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात मैं ये और बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जो बहुत सारे मैसेज आते हैं, जो भी लोग सुनेंगे उस उनको भी सुनेंगे, वो भी ये जान जाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए। मैं फ्री कंसल्टेशन बंद कर चुका हूँ, मैंने 4-5 साल बहुत करा है, बहुत सेवा करी है, और पैसे देते भी थे, मैं नहीं लेता था 4-5 साल, ठीक है। और उसका ही परिणाम है, इसी समाज ने मुझे ये सिखाया है कि आप पैसे मत लीजिए। इतना ज़्यादा शोषण, मैं हेल्प के लिए बैठा हुआ था 4-5 साल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसी में ही समाज ने शोषण करना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति का जो सारी विद्या लेके बैठा हुआ आपके सवेरे 8 बजे से लेकर रात 12-12 एक एक बजे तक, तो इसी समाज ने, आप ही लोगों ने सिखाया मुझे कि आपको फ्री मत नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं फ्री बिल्कुल नहीं करता हूँ। मेरे से बात करने के लिए भी मैंने कॉल मी फॉर करके ऐसे एक ऐप है वो डाल दिया है, इसमें 200 रुपये पर मिनट कॉस्ट है। आप बहुत इम्पोर्टेंट बात होगी तो आप करिए उससे, है ना। और अगर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप अपना पेमेंट करिए, पितृदोष वाला है उसका अलग पेमेंट है, लेकिन रियलिटी है, इसमें कोई भी छद्म नहीं है। सारी चीज़ें आप मेरी वीडियोस देख लें, उसमें सारा ओपन है। और कोई अगर प्रश्न हो किसी का तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, ठीक है। जय श्री काल भैरव।